हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली एक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप देखते। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नजीर। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मोदी एंड गडकरी जी। अच्छा, मतलब क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो मतलब मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है और गडकरी जी के भी है। देखते वॉच करते पहले वीडियो, तो क्या करते हैं स्टार्ट। नमस्कार। हमारे प्यारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर वास्तव में काफी तेजी से काम हो रहा है। ये तो है भाई, कई दशकों पहले बन जानी चाहिए थी, कहीं जाकर अब उन पर काम शुरू हुआ है। मोदी जी के आने से हम जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, तो लाजमी है कि जनसंख्या जितनी होगी उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज की कमी भारत में हमेशा से रही है, लेकिन अब 2025 तक भारत की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, 2025 तक भारत में ऐसा बहुत कुछ डेवलप होने जा रहा है जिसके बाद भारत एक नया भारत बनेगा। तो आइए हम जानते हैं कि 2025 तक भारत में क्या क्या बनेगा और इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आपको बता दें कि भारत एक तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसी अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रही है, जिनमें पहले नंबर पर आता है आधुनिक एयरपोर्ट्स। आपको बता दें कि हमारे देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और यात्रियों की संख्या के साथ साथ हवाई मार्ग के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में भी वृद्धि देखी जा सकती है। बस इसी अवसर को देखते हुए मोदी सरकार नए नए एयरपोर्ट बनाने की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमारे प्यारे भारत में लगभग 140 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या और ज्यादा होने वाली है। जी हाँ, भारत सरकार की माने तो 2025 तक भारत में 220 एयरपोर्ट्स होंगे, मतलब कि सिर्फ 3 सालों में 80 नए एयरपोर्ट भारत में बनके तैयार हो जाएंगे, जिनमें से कुछ एयरपोर्ट्स पर काम शुरू हो गया है, उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। पहले नंबर पर आता है जेवर एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर गाँव में किया जा रहा है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसके निर्माण कार्य के लिए यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी को यूपी सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। जानकारी के लिए यही बता देते हैं कि जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की दूरी तकरीबन 56 किलोमीटर की होगी और इस पूरे एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता शुरुआत में 50 लाख यात्रियों की होगी, लेकिन जब यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग 30 साल की अवधि के अंदर इसकी क्षमता 6 करोड़ यात्री सालाना की होगी। इस पूरे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए जेवर एयरपोर्ट देश के दूसरे हिस्से से भी जुड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि जेवर का यह एयरपोर्ट चीन को पीछे छोड़ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। यह एयरपोर्ट लगभग 5000 हेक्टर यानी कि 12,355.27 एकड़ के एरिया में फैला होगा। अगर हम बात करें इस पूरे एयरपोर्ट की बजट की तो आपको बता दें कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 29,560 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। बात करें इस एयरपोर्ट के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि पिछले साल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका भूमि पूजन कर दिया गया था। भूमि पूजन के बाद इस पूरे एयरपोर्ट की टेंडर प्रोसेसिंग हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले महीने से इसके टर्मिनल और रनवे पर काम शुरू हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के बाद आता है गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा पूरी दुनिया में काफी फेमस टूरिज्म प्लेस है, लेकिन फिर भी अभी तक गोवा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नहीं बन पाया। जो एयरपोर्ट अभी गोवा में है वो सेना का एयरपोर्ट है, लेकिन अब उत्तरी गोवा के मोपा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण प्रगति पर है और हवाई अड्डे का पहला चरण इसी साल अगस्त 2022 तक चालू होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने से गोवा आने जाने वाले यात्रियों को और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। इससे हवाई यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी, गोवा में टूरिज्म को भी बड़ा इजाफा मिलेगा। आपको यही बता देते हैं कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 232 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हो रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में बढ़ती आबादी को देखकर इस दूसरे एयरपोर्ट को बनाने की कवायद 1997 में ही शुरू कर दी गई थी। उस समय से एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कम रुचि के कारण यह एयरपोर्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने इस एयरपोर्ट को बनाने में रुचि दिखाई और अब यह हवाई अड्डा नवी मुंबई में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनाने के बाद मुंबई भारत का एक लौता ऐसा शहर होगा जिसमें एक साथ दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। आपको बता दें कि मुंबई में अभी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही सेवा देता है,
जहां यात्रियों की भीड़ अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। इससे निपटने के लिए ही इस नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बनावट बेहद ज्यादा खूबसूरत होगी और यह पूरा एयरपोर्ट काफी ज्यादा हाईटेक भी होगा, जिससे यात्रियों को उच्च स्तर की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और यह 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं राजकोट एयरपोर्ट की। राजकोट गुजरात का एक ऐसा शहर है जो दुनिया में ग्रोथ के मामले में 22वें नंबर पर आता है और अब इसी राजकोट में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी जो एयरपोर्ट है जिसका नाम राजकोट सिविल एयरपोर्ट है वो भारत के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, इसलिए राजकोट में यह दूसरा एयरपोर्ट बनाकर तैयार किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 2600 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें 3400 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर वाइड रनवे होगा। बात करें इसकी लागत की तो यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 2654 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। चूंकि यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा इसलिए यहाँ पर सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। इन फैसिलिटीज में 2 taxiway, रैपिड एग्जिट टैक्सी ट्रैक, टर्मिनल बिल्डिंग्स, कार्गो, MRO हैंगर्स, 250 एकड़ के एरिया में ग्रीन जोन, 250 एकड़ के एरिया में एविएशन पार्क आदि फैसिलिटीज को इस पूरे एयरपोर्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट पर काफी तेजी से काम चल रहा है और यह पूरा एयरपोर्ट लगभग मार्च 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। और जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा तो राजकोट भी मुंबई की तरह दो एयरपोर्ट वाला शहर बनेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एयरपोर्ट की ओर। गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद बारी आती है गुजरात के ही धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि हमारे भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद के पास बनकर तैयार की जा रही है, जिसका नाम धोलेरा स्मार्ट सिटी है। और इस स्मार्ट सिटी में सारे काम स्क्रैच से किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सीवेज, ड्रेनेज, ICT, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, यहां तक कि गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस नए धोलेरा स्मार्ट सिटी के पास में बनाकर तैयार किया जा रहा है। और वास्तव में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उन सबको सबसे ज्यादा इंतजार है धोलेरा एयरपोर्ट के शुरू होने का, क्योंकि इस एयरपोर्ट से धोलेरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ इन लोगों की किस्मत भी चमकने वाली है। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के नॉर्थ में अहमदाबाद के साउथ की तरफ नवागाम विलेज में बनके तैयार हो रहा है। बात करें इस एयरपोर्ट के एरिया की तो आपको बता दें कि यह पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लगभग 1426 हेक्टर यानी कि लगभग 3500 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो कि गुजरात का अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट के रिसेंट स्टेटस की तो जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे क्लियरेंस बहुत पहले ही मिल चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि अब इस एयरपोर्ट पर जमीन पर भी काम तेजी से शुरू हो चुका है और इस एयरपोर्ट को बनाने का काम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि एयरपोर्ट लगभग 2024 तक 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हो जाएगा। चूंकि यह एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के पास में बनके तैयार हो रहा है और इस स्मार्ट सिटी में आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, हम आपको कॉल पर दे देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एयरपोर्ट की ओर। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद बारी आती है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि आंध्र प्रदेश में बनके तैयार हो रहा है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में बनके तैयार हो रहे इस एयरपोर्ट का एरिया लगभग 2631.36 एकड़ का होगा। इसको बनाने में तकरीबन 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह एयरपोर्ट लगभग 2023 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। इस भोगापुरम एयरपोर्ट के बाद आता है छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट पुणे में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट लगभग 2400 हेक्टर के एरिया में बनकर तैयार होगा। आपको यही बता देते हैं कि यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जिसमें सारी हाईटेक फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस पूरे एयरपोर्ट का काम फरवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। ये थे आधुनिक भारत के निर्माणधीन आधुनिक एयरपोर्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इन एयरपोर्ट के अलावा और भी कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि चेन्नई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पंजाब के लुधियाना में बन रहे 134 एकड़ में लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल में 570 एकड़ के एरिया में बन रहा सावरगिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 320 हेक्टर के एरिया में बन रहा होलंगी एयरपोर्ट आदि में काफी तेजी से काम चल रहा है और ये सारे एयरपोर्ट लगभग 2025 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस सीरीज का यह पहला पार्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट पे भी रिएक्शन कराना हम डेफिनेटली करेंगे नीचे, बस आप लोगों ने पार्ट 2 लिखना है। तो यार क्या एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, 14,000 करोड़, 13,000 करोड़, मतलब के
पता है सारे 2500 करोड़ ये वो पता नहीं कितने कितने करोड़ लगा रहे हैं। ये और देखें बंबई के साथ एक और एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट बना रहे हैं, गुजरात के अंदर बना रहे हैं, ठीक ऑलरेडी एक बना हुआ एक दुरेरा सिटी के नजदीक बन रहा है, वो तो एक दुरेरा सिटी में एक अलग फिर बन रहा है, 3 दिन हो जाएंगे गुजरात के अंदर। देखो क्या क्या कितना तेजी से काम जारी है, 2025 तक सारे मुकम्मल हो जाएंगे, तकरीबन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक साल ऊपर नीचे हो जाए तो वो एक अलग बात है यार। एयरपोर्ट तो इतना कम ज्यादा अरसा लगता है, पर इंडिया के काम करने की रफ्तार इतनी तेज है कि 2 सालों में कम्प्लीट करके दिन रात एक काम जारी रहता है, तो खूबसूरत बिल्कुल। और जिस तरह 70 और बन रहे हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ बन रहे हैं यार, इंडिया एयरपोर्टों पे बहुत तवज्जो दे रहा है, बाबा रश बहुत हो चुका है वहाँ पे, और देखे ना लोग आने जाने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा चल रही है, बाय एयर की बात कर रहे हैं तो भाई वो असल मतलब ये होता है ना, जिस इलाके में एयरपोर्ट ना हो तो फिर बड़ी सहूलतें ना काफी होती है, कुछ सामान बाहर पहुंचाना हो जाए थोड़ी मुश्किल होता है। अब है इंडिया के हर शहर के अंदर है, लेकिन इंडिया कह रहा है एक एक नहीं 2-3 दिन हो ताकि भाई रश को कम किया जाए, रश को कम किया जाए, जल्दी पहुंचाइए एक्सपोर्ट करने, बिल्कुल ऐसे टाइम ही बचेगा, पैसेंजर्स का टाइम बचेगा, जहाजों का पैसा तो लगता है, फिर पैसा ऐसा आएगा भी, यही बात है। यार मोदी जी ने इंडिया को ऐसा खड़ा कर दिया कि उसमें किसी मुकाम में भी पीछे नहीं, यार ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हों, ऐसे जिनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हों तो फिर भाई ये देश आगे बढ़ता है, बिल्कुल मोदी जी और गडकरी जी साथ हो ना, ये इनका बड़ा कमाल का पेयर है, वाकई में ऐसे मंसूबे बनाए हैं कि बंदा सोच ही सकता है, वही ना कमाल कमाल। आप पाकिस्तान का हाथ देख लेना, एक एयरपोर्ट भी उम्मीद नहीं इन्होंने कोई आरा रखा हो अभी तक, वो एक भी इस्लामाबाद का वही बना था, वो भी चाइना की उस पे भी आधा माधा काम है, मैंने देखा है हालात ऐसे ही है, ऐसे ही है बस, क्या बोले बंदा, पता चलता है कि इंडिया कुछ कर रहा है वाकई में, और एकदम बिल्कुल VIP वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय।